इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि डीएनए क्या होता है, इसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कंप्यूटर से ये कैसे रेलिवेंट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। ऑफ कोर्स उससे पहले हम बताएंगे कि डीएनए स्टैंड्स फॉर व्हाट। एब्रीवेशन वाइज डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियाइक एसिड। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। इट इज़ अ बेसिकली अ मॉड्यूल दैट इनकोड्स जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस यूज्ड इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मैनी वायरसेस। ये क्या करता है बेसिकली कि ये एक मॉलिक्यूल है जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंफॉर्मेशन को बिल्ड करने में हेल्प करता है। अगर मैं इसको कंप्यूटर के साथ मैच करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, डीएनए इज समथिंग लाइक अ कंप्यूटर टेप दैट स्टोर्स मैनी प्रोग्राम्स फॉर अ लार्ज कंप्यूटर टू रन। अब कंप्यूटर को कैसे हम चलाते हैं? कंप्यूटर में एक स्टोरेज मैकेनिज्म होता है जिसमें से एक कॉमन सी टाइप टेप की है, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। उस इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में। तो डीएनए की भी एनालॉगी सेम उस कंप्यूटर टेप की तरह है जिसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शंस कोडेड होती हैं और वो इंस्ट्रक्शंस हेल्प करती हैं टू कैरी आउट अदर टास्क फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिमिलरली इट कैन बी अ बैकअप डिस्क ऑन अ कंप्यूटर। वाई? क्योंकि डीएनए, आप लोगों को अगर याद हो तो डीएनए मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। उसका एडवांटेज ये है कि अगर एक स्ट्रैंड ब्रेक करे तो सेकेंड वन टेक्स इट्स प्लेस। लोकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए कहाँ पाया जाता है? मोस्टली डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में होता है, जिसको न्यूक्लियर डीएनए कहा जाता है, और सम केसेस में इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको एमडीएनए कहा जाता है, एमटीडीएनए कहते हैं। रोल ऑफ डीएनए, डीएनए के क्या पर्पजेज हैं? ऑल्दो इसके बहुत ज्यादा पर्पजेज हैं, लेकिन मैंने इसको ब्रीफ रखने के लिए सिर्फ दो यहां पर डिस्कस किए हैं। नंबर वन इज काइंड ऑफ सेल, हमारी कौन सी किस्म का सेल जनरेट होगा ये डीएनए बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इज इट अ मसल सेल, ब्लड सेल और नर्व्स। सेकेंड वन इज काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म जनरेट होगी बेस्ड ऑन इट्स सेल, वट वुड बी दैट? विल इट बी अ प्लांट, एनिमल और वट? इफ इट इज अ एनिमल, वट सॉर्ट ऑफ एनिमल इट वुड बी? विल इट बी सम जिराफ, फिश, ह्यूमन, वट? सिमिलरली वट सॉर्ट ऑफ प्लांट्स? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बेसिकली इट इज अ लार्ज मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ये आपने अपने बेसिक कोर्सेज में जो इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स है या बायोकेमिस्ट्री है उसमें भी देखा होगा। यहां मैं बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगा। बेसिकली ये होते क्या है हमारे पास? ये शुगर्स कॉल्ड डीऑक्सी राइबोज, फॉस्फेट ग्रुप और ऑर्गेनिक बेस, इन तीन चीजों का कम्बिनेशन होता है जो मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। राइबोस, राइबोस इज बेसिकली अ शुगर लाइक ग्लूकोज, बट इट ओनली हैज 5 कार्बन आइटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। और सेकेंडली डीऑक्सीराइबोज क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज इज सेम लाइक राइबोज बट इट लैक्स 1 ऑक्सीजन आइटम। सिमिलरली अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो मेरे पास ऑर्गेनिक बेसिस कौन सी आती हैं? 4 ऑर्गेनिक बेसिस हैं। नंबर वन इज एडिनाइन विच इज डिनोटेड बाई ए, अदर वन इज थाइमाइन डिनोटेड बाई टी, द अदर वन इज साइटोसाइन डिनोटेड बाई सी, एंड फाइनली गुनानाइन विच इज डिनोटेड बाई जी। यहाँ पर जो मैंने फिगर्स के अंदर थोड़ा सा चेंज करने के लिए कलर और एरो साइज को चेंज किया है, ऑल दो ये कोई कन्वेंशन नहीं है, हम कोई भी कलर वगैरह यूज कर सकते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे होता है? न्यूक्लियोटाइड जैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन इज हमारे फॉस्फेट, द अदर वन इज एडेनाइन और बेस, एनी बेस, एंड द थर्ड वन इज डीऑक्सीराइबोस। ये तीन चीजों का जो कम्बिनेशन है ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है। अब हमारे पास है क्या? हमारे पास रूल्स हैं जिनकी मदद से हम कोई भी नया न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं या हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमने सिंपल ये दिखाया है कि हमारे पास फॉस्फेट है विच इज ऑन दिस प्लेस, द अदर वन इज शुगर, एंड द थर्ड वन इज दीज बेसिस, जो हमने चार बोली थी, न्यूक्लियो एडेनाइन, साइटोसाइन एंड सो ऑन।